अब अगर हम एनिलीन पे डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो वो कह रहे हैं मेटा आइसोमर भी मिलता है। बात सच है, अगर तुम कंसेंट्रेटेड HNO3 इसमें डाल देते हो तो तुम्हें, और पैरा तो मिलता ही है, कितने परसेंट? 51%। ठीक है, और तो भी मिलता है, कितना परसेंट? 2%। और सिर्फ, और मेटा मिलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये मेटा तो मिलना ही नहीं चाहिए, पर मेटा बहुत अच्छी परसेंटेज में मिल रहा है, 47%। क्वेश्चन इज व्हाई मेटा इज फॉर्म। तो मेटा इसलिए फॉर्म होता है, देखो एनिलीन जो है ऑब्वियसली इट इज बेसिक इन नेचर, एनिलीन बेसिक है, और H प्लस की प्रेजेंस में क्या करता है? इट विल कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन। तो ऑल्दो एनिलीन और एनिलीनियम में से एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिलीनियम इज मेटा डायरेक्टिंग। व्हाई? क्योंकि एनिलीन पे तो लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, पर क्योंकि NH3 पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो काइंड ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से एनिलीन विल गिव अस ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, एंड मेटा एनिलीनियम का नाइट्रेशन विल गिव अस मेटा प्रोडक्ट। यानी एक दिन अगर नाइट्रेशन का अटैक होता है तो नाइट्रेशन होने से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं एनिलीन से, और एनिलीनियम से मेटा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे एनिलीन आयन एड्स अ प्रोटॉन टू गिव एनिलीनियम आयन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड गिव्स मेटा आइसोमर, इससे मेटा आइसोमर मिलता है। ठीक है, तो इज दिस रिएक्शन क्लियर? ठीक है, प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सेल्स। हम कह रहे हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। व्हाई? तो जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है, अच्छा बोल और आईपैड उसे बोल देना घर से ले। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का मतलब है एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन, अगर एनिलीन को हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं बना सकते, द पॉइंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिर्फ एलिफैटिक अमीन बन पाते हैं इससे, क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड होता है ये, गैब्रियल थैलेमाइड में हम डालते हैं KOH, तो KOH से बनता था ये,
इसके अंदर हम डालते थे एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से बनता था ये। और एल्काइल हैलाइड में हम डालते थे NaOH, तो हमारा बनता था RNH2 एंड बनता था CONCON। तो हमारा यहाँ पे बनता था प्राइमरी अमीन। तो जो प्राइमरी अमीन बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एराइल हैलाइड यूज करता हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एनिलीन बनना चाहिए था, तो वो एनिलीन क्यों नहीं बनता इस ये बात है। तो एराइल हैलाइड जो ये रिएक्शन है जो यहाँ पे हो रही है, इसमें एक आर और एक्स का बॉन्ड टूट रहा है, ये रिएक्शन एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दीज रिएक्शन आर इजी इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड बट डिफिकल्ट इन द केस ऑफ एराइल हैलाइड्स। सो वी विल से सिंस एराइल हैलाइड्स, सिंस एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स हमारे एराइल हैलाइड रिएक्शन नहीं दिखाते, सो दिस रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये स्टेप टू है, बियॉन्ड स्टेप टू एंड एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी you